₹775 प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने के लिए शासन प्रशासन हर तरीके के प्रयास कर रहा है। मऊ में तैनात एक दारोगा ने गीत के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की। दारोगा राजन मौर्य का गीत वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा। आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11 हो चुकी है। 18 मार्च को यूके से लौटे एक छात्र में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। मोहनपारा क्षेत्र में रहने वाले 17 साल के छात्र की जांच में कोरोना मिला है। लॉकडाउन में गोंडा जिले में दिल्ली और आसपास के इलाकों से पलायन कर 400 से ज्यादा लोग पहुंचे। लोगों की रोडवेज परिसर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग करके घर को रवाना किया। लॉकडाउन के बीच अयोध्या में किन्नरों के एक ग्रुप ने पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की है। घर जाने को कहने पर पुलिस ने किन्नर उलझ गए और बाद में किन्नर ताली पीटते हुए कार में बैठकर निकल गए। आगरा प्रशासन की सराहनीय पहल देखने को मिली। यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए रोडवेज बसों के साथ साथ सेना के ट्रक भी लगाए गए। डीएम और एसएसपी लोगों से ठहरने की अपील करते नजर आए। बाद में लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए 128 बस और 10 सेना के ट्रक लगाए गए। सहारनपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच जेल से 59 कैदियों को रिहा किया गया। सहारनपुर जिला जेल से बीती शाम 36 और देवबंद जेल से 33 बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया है। भारी सुरक्षा के बीच कैदियों को उनके घर छोड़ा गया। लॉकडाउन के बीच उन्नाव जिला कारागार से 49 बंदियों को छोड़ा गया। जिला कारागार से 49 बंदी 8 सप्ताह के पैरोल पर छोड़े गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रिहाई के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच कैदियों को घर तक छोड़ा गया। कोरोना पीड़ितों की मदद के नाम पर जालसाजों ने एडीजी प्रयागराज की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके परिचितों से मदद की अपील की। इस मामले की जानकारी जब एडीजी प्रेम प्रकाश को हुई तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। कैंट थाना में साइबर छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज। आगरा में सरकार की तरफ से बसें शुरू करने के बावजूद पलायन कर रहे मजदूर परेशान। घर पहुंचने के लिए अफरा तफरी का माहौल। मेरठ में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। 8 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 50 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें 11 लोगों की जांच रिपोर्ट आई। इनमें 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही। करीब 15,000 से ज्यादा मजदूर दिल्ली और हरियाणा से पहुंचे झांसी। सभी को बसों में ठूंसकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया गया। बस में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। शहर से आ रहे यात्रियों के लिए शामली से लखनऊ तक शुरू की गई बस सेवा। कोरोना की जांच के बाद सभी को बसों में बिठाकर रवाना किया गया। फतेहपुर में गैर प्रांतों से वापस आए हजारों यात्रियों से रोडवेज बस में मनमाफिक किराया वसूलने का आरोप। विरोध करने पर यात्रियों को दी गई धमकी। डीएम ने कार्रवाई की बात कही। मिर्जापुर में लॉकडाउन के चलते परेशान लोगों की मदद के लिए पब्लिक पुलिस अन्नपूर्णा बैंक का संचालन किया गया। बैंक में जमा कराए गए खाने पीने के सामान को पुलिस ने गरीबों में बांटा। हाथरस जिले में बाइक चोरी करते हुए पकड़े गए युवक की पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथरस के क्षेत्र के गांव नगरिया नंदराम का मामला है। चैत्र नवरात्रि के 6ठे दिन मां ललिता गौरी के रूप का दर्शन का विधान है, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन और कोरोना के खौफ के चलते मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हाथरस जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ ने कोरोना मरीजों के सुरक्षित इलाज का रिहर्सल किया। जिले में इस बीमारी का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। देश के अलग अलग जगहों पर काम कर रहे लोग अपने घर गाजीपुर पहुंचे। बस अड्डे पर पहुंचते ही सभी लोगों की स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच कर उनके घरों के लिए रवाना किया गया। जौनपुर में कोरोना वायरस के चलते जेल से रिहा किए गए 75 कैदी। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद 7 साल से कम सजा पाने वाले बंद कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था। मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में कोरोना संदिग्ध को भर्ती किया गया है। युवक के गले से खराश की शिकायत थी, जांच के लिए सैंपल भेजे गए। सहारनपुर के प्रशासनिक अधिकारियों का घर दर्शन ऑपरेशन जारी। लगातार 3रे दिन हजारों की संख्या में लोगों को बसों के जरिए उनके घर पहुंचाया गया। दिल्ली से बिजनौर पहुंचे लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। बाद में सभी को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। 21 दिन के लॉकडाउन के मद्देनजर मुजफ्फरनगर जिले में सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया। दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले लोगों का बॉर्डर पर बने मेडिकल कैंप में चेकअप थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। इसके बाद ही उन्हें दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। लखनऊ के निशांतगंज फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा हुए लोगों की पुलिस ने की मदद। जरूरतमंदों को कराया भोजन। अयोध्या में जिला प्रशासन ने बाहर से पलायन कर घर जा रहे लोग बस स्टेशन पर स्क्रीनिंग की गई। 2 दिनों में दिल्ली से आने वाले 580 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। हापुड़ के अमृत विहार कॉलोनी में किन्नरों ने भी जरूरतमंदों की मदद की। गरीब मजदूरों को राशन और जरूरी सामान वितरित किया गया।
लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की प्रदेश सरकार से मांग, गरीब और मजदूरों के लिए सरकार मुफ्त में राशन की व्यवस्था करे। महराजगंज में नेपाल के बेलिया से वापस आए भारतीय पर्यटकों को सोनौली के एक गेस्ट हाउस में रखा गया है। सरकार ने अधिकारियों को दिए पर्यटकों की उचित व्यवस्था के आदेश। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कोरोना के मद्देनजर अधिकारियों के साथ बैठक की है। लॉकडाउन का पालन करने और पलायन कर रहे लोगों के लिए खाने पीने के लिए उचित व्यवस्था को लेकर बैठक में हुई चर्चा। वाराणसी में लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया किन्नर समाज, दशाश्वमेघ इलाके में लोगों को बांटी राहत सामग्री। मुजफ्फरनगर में दिल्ली से पहुंच रहे लोगों ने उनके घर पहुंचने का काम जारी, करीब 3000 बसों की व्यवस्था की गई है। गाजीपुर में देवदूत बनकर सामने आए पुलिसकर्मी, मजदूरों और गरीबों को बांटी राहत सामग्री। गाजियाबाद में कोरोना के दो नए केस मिले हैं। मोहन नगर के सेवियर पार्क सोसाइटी में कोरोना के ये दो नए मामले सामने आए हैं। दो महिलाओं की कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभरत भूषण शरण सिंह ने थानों पर राशन के पैकेट पहुंचाए हैं। राहत पैकेट में चावल, आटा, 2 किलो दाल, 3 किलो आलू बरपा जा रहा है। लखीमपुर खीरी में पीलीभीत बस्ती मार्ग पर सैकड़ों लोग पैदल जा रहे हैं। सैकड़ों मजदूर वाहनों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों का प्रबंध करा है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भी पलायन करने वालों की भारी भीड़ है। हजारों की संख्या में लोग यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर जमा हैं और घर जाने के लिए गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। पीलीभीत के बेटा गांव में राजीव कुमार ने महिला पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत एसपी से की है। पीड़ित एक नर्सिंग होम में काम करता है, जहां से लौटकर वो अपने घर जा रहा था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संगम के आसपास के गरीबों को भोजन देने का बीड़ा उठाया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नयनगिरी ने संगम के आसपास रहने वाले लगभग 1000 गरीबों और निराश्रित लोगों के बीच भोजन के पैकेट बांटे। सीतापुर जेल से आज पैरोल पर रिहा किए गए 23 बंदी, निजी मुचलके पर रिहा किए गए 23 बंदी 7 साल से कम की सजा वाले मामलों में बंद थे। जिला कारागार में कोरोना वायरस को लेकर रिहाई का फैसला किया गया। बागपत जिले में पुलिस असहाय और गरीब लोगों की सेवा में जुटी है। कोतवाली बड़ौत पुलिस ने इसके लिए खास व्यवस्था की। दिल्ली और हरियाणा राज्यों से आने वाले लोगों को पुलिस खाने के पैकेट वितरित कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के मितौली गांव में पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक सुनील लाला ने ट्रैक्टर में प्रेशर मशीन लगाकर गांव को सैनिटाइज किया। खुद ही ट्रैक्टर चलाकर गांव को सैनिटाइज करते नजर आए पूर्व विधायक। वाराणसी में नवरात्रि के 5वें दिन भी मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में काशी के मंदिर भक्तों के बिना सूने पड़े दिखे। जैतपुरा का बागेश्वरी देवी का मंदिर भी सूना नजर आया। रामपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो इसके लिए डीएम अजय कुमार ने लोगों को समझाया है और सोशल डिस्टेंस को हर हाल में मेंटेन करने की अपील की। संभल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए चंदौसी में कक्षा 4 के स्टूडेंट सूर्य की अनोखी पहल सामने आई है। लोगों को जागरूक करने के लिए रोजाना एक ड्राइंग बनाता है। योगी सरकार लॉकडाउन में फंसे मुसाफिरों को उनके गंतव्य स्थान पर भेज रही है। 5 बसों से लोग महोबा पहुंचे, जिनका जिला प्रशासन ने मेडिकल परीक्षण करवाकर उनके घर भेजा। ललितपुर में देर रात भोपाल से मुरैना के लिए निकले 9 मजदूरों को जिला प्रशासन ने घर पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की है। सभी मजदूर भोपाल के मावल लगाने का काम करते थे। लॉकडाउन में बेरोजगार होने की वजह से घरों को पलायन कर गए। औरैया जनपद में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने नए तरीके से घरों में रहने की नसीहत दी है। सड़क पर बेवजह घूमने वालों को पुलिस के अधिकारी एक पोस्टर के साथ फोटो खिंचवाकर शर्मिंदा कर रहे हैं। पोस्टर में लिखा है, मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर पर नहीं रहूंगा। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला मल्लूपुरा में किन्नर समाज ने गरीबों की मदद की। किन्नर समाज के लोगों ने गरीबों को आटा चावल चीनी बांटकर बीमारी को जल्द खत्म करने की दुआ की। पीलीभीत में लॉकडाउन के चलते सड़क किनारे रह रहे लोगों की मुसीबतें बढ़ी, पैसे और खाने की सामग्री बांटी। पलायन कर लखीमपुर पहुंचे कामगारों को 14 दिन अपने परिवारों को अलग रहना होगा। सभी के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, खाने की भी व्यवस्था की गई है। जौनपुर में दूसरे शहरों से आए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित पाए गए। फतेहपुर में लॉकडाउन के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, गरीब मजदूरों को पड़े 2 वक्त की रोटी के लाले।
लॉकडाउन को लेकर रुद्रप्रयाग में ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में लगे मजदूर भी पलायन करने को मजबूर। सैकड़ों की संख्या में मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। आरोप है कि जिला प्रशासन की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली। उधमसिंह नगर में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एम्बुलेंस से स्मैक तस्करी कर रहे चार युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 25 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुई है। एम्बुलेंस को सीज करते हुए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। राजधानी देहरादून से लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। मजदूर देहरादून से पैदल उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए पलायन कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते काम बंद है, जिसके चलते रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। देहरादून में बीजेपी के पूर्व पार्षद सचिन गुप्ता ने गरीब और मजदूरों को राशन वितरित किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया।